एक काफी खूबसूरत सा बारिश वाला दिन है गाइस लॉस सैंटोस के अंदर, और आज है संडे जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। और संडे के दिन बारिश होना भाई अलग ही मजा आता है। बट आज हम लोग गाइस फिर से बारिश में रेस करने वाले हैं, और तुम लोगों को तो पता ही है हम लोगों ने पिछली बार शिनचैन पिनचैन और चॉप के साथ रेस की थी, जिसमें चॉप फर्स्ट आया था और मैं सेकंड आया था, और जहां तक है शिनचैन थर्ड आया था और पिनचैन फोर्थ आया था, ऐसा कुछ तो सीन हुआ था। बट गाइस उससे पिछली बार मैंने रेस लगाई थी जितने भी फ्लैशेज हैं उनके संग, जिसमें से कि तीन फ्लैशेस थे, अपना नॉर्मल फ्लैश, फ्यूचर फ्लैश और एविल फ्लैश। तो उसमें गाइस रेस में सीन क्या हुआ था कि मैं आया था थर्ड, फर्स्ट आया था फ्लैश, सेकंड आया था फ्यूचर फ्लैश और फोर्थ आया था एविल फ्लैश। तब मैंने सोचा यार क्या सिर्फ तीन ही फ्लैश हैं या फिर इनके अलावा भी और फ्लैशेज हैं, और इसीलिए मैंने कल आयरन मैन को फ़ोन लगाया और पूछा कि भाई और भी फ्लैशेज हैं। तो आयरन मैन ने कहा भाई यस, लिटरली में भाई इन तीनों के अलावा और भी फ्लैशेज हैं, बट वो लोग लॉस सैंटोस के अंदर नहीं रहते हैं। तो मैंने सोचा यार उन तीनों से तो मैंने रेस कर ली, और मुझे पता भी चल गया कि दो लोग मुझसे फास्ट हैं और एक मुझसे स्लो है, लेकिन बाकी और जो फ्लैश हैं क्या मैं उनसे फास्ट हूँ या फिर स्लो हूँ, ये चेक करना तो बनता है। इसलिए मैंने आयरन मैन से कह दिया कि भाई कि जितने भी नए फ्लैशेज हैं जिनके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, जो कहीं और रहते हैं, उनको तू लेकर आ जा मेरे घर पे कल। और फाइनली गाइस आज आयरन मैन आने वाला है घर पर उन्हीं फ्लैशेज को लेकर। बाकी मैं पहली बता देता हूँ गाइस, ये वो वाले फ्लैश नहीं है जिनसे हमारी रेस हो चुकी है, ये बिल्कुल अलग फ्लैश है। अब मुझे नहीं पता भाई ये किस टाइप के फ्लैशेज होने वाले हैं, बट वो जब आएंगे तभी पता चलेगा। बाकी तो भाई तुम लोगों का कैसा संडे गुजर रहा है? बढ़िया तरीके से गुजर रहा है भाई? अरे बोर हो रहे यार। बोर क्यों हो रहे हो भाई, अभी मजा आने वाला है। अरे क्यों यार? क्योंकि भाई फ्लैश आ रहे हैं रेस करने के लिए। अरे कितनी बार रेस करोगे फ्लैशेस से? अबे वो वाले फ्लैश नहीं आ रहे, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्लैश आ रहे हैं। वह भाई साहब कल हुए तीन ही तो फ्लैश थे, अब ये नए फ्लैश कहाँ से आ गए? अरे ये वाले फ्लैश कहीं और रहते थे भाई, वहां से पकड़ के ला रहा है आयरन मैन को। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक ये एवेंजर्स का घर बना कि नहीं? अबे नहीं भाई अभी बना नहीं है, मेरे को ही बनाना है गाइस, मौका ही नहीं मिल रहा मुझे, टाइम ही नहीं मिल रहा एवेंजर्स का घर बनाने का। बट टेंशन मत लो यार, हम लोग जरूर बनाएंगे। वैसे अगर तुम लोगों को नहीं पता मैं किस घर की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं एवेंजर्स का जो घर था वो तूफान में बह गया, और जब हम लोग वो घर देखने पहुंचे थे तभी तो मेरे पास ये फ्लैश वाली पावर आई थी। बाकी अभी तक आयरन मैन का बच्चा आया क्यों नहीं यार? फोन लगाना पड़ेगा क्या? अभी तक तो आ जाना चाहिए था इसे सारे न्यू फ्लैशेस को लेकर। अरे यार फ्लैशेस कैसा लग रहा है तुम लोगों को लॉस सैंटोस आके? अरे ठीक ही ठाक लग रहा है यार, लेकिन हमारे सैन एंड्रियास वाली बात नहीं है। अरे तो तुम लोग रेस ही तो करने आए यार, रेस करके चले जाना सैन एंड्रियास। ठीक है यार ठीक है। वैसे कुछ भी कहो, ग्रीन फ्लैश तुम्हारी गाड़ी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ओरे थैंक यू यार थैंक यू। चलो अब जो भी हो आ जाओ, चलो फटाफट से चलते हैं मिलने के लिए फ्रैंकलिन से, उसी ने तो तुम लोगों को रेस के लिए बुलाया है। चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे फ्रैंकलिन कैसे हो? अबे भाई आयरन मैन आ गया तू, आ गए सारे नए फ्लैशेस को लेकर? बिल्कुल यार, मिलो सारे के सारे फ्लैशेस। अरे ग्रीन फ्लैश कहाँ रह गया? अरे आया यार। हाँ तो मिलो सारे फ्लैशेस, ये है फ्रैंकलिन और फ्रैंकलिन, ये है ब्लैक फ्लैश, ये है पिंक फ्लैश और ये है ग्रीन फ्लैश। ओ सारे ये क्या कलर वाले फ्लैशेस हैं? बस यही फ्लैशेस है यार, और जहाँ तक मुझे नहीं लगता और कोई लॉस सैंटोस में मतलब और कहीं भी फ्लैशेस होंगे। ओके तो ये है ब्लैक फ्लैश, ये है पिंक फ्लैश और ये है ग्रीन फ्लैश। ओके हेलो ग्रीन फ्लैश। अरे हेलो यार हेलो। हेलो पिंक फ्लैश। अरे हेलो यार। और हेलो ब्लैक फ्लैश। हेलो तुम्हें भी हेलो। बाकी तो बताया है आयरन मैन ने क्यों तुम लोगों को बुलवाया यहाँ पर? नहीं हमें कुछ भी नहीं पता है। अबे भाई आयरन मैन बताया नहीं तूने? अरे यार बताया तो था मैंने तुम लोगों को रेस के लिए बुलाया। अच्छा हाँ पता है हमें पता है। थोड़े भुलक्कड़ फ्लैशेज है बट चल जाएगा काम। बाकी जरा देखूं मैं करीब से। ओ भाई इसको तो देख के डर गया मैं। और इसका फ्लैश वाला लोगो देखो गाइस, वो भी पूरा ब्लैक है। बाकी ये है पिंक फ्लैश, बिल्कुल अलग ही है, ये तो अलग ही शक्ल भी है इसकी। ये इसका फ्लैश वाला लोगो और ये तार वार बंधे पड़े हैं, ये अलग ही सूट है इसका। और ये देखो गाइस ग्रीन फ्लैश, भाई सबसे एपिक सूट मेरे को इसी का लग रहा है। मेरा सूट चुरा ना मत यार। अरे नहीं चुरा रहा भाई, मैं तेरे को चोर देख रहा हूँ, मैं भी अपने लिए एक स्पेशल सूट बनवाऊंगा। बाकी तो तुम लोग मेरे से रेस करने के लिए आए हो, तुम लोगों को पता है ना? अरे हाँ पता है यार सब कुछ पता है। तो गाइस रेडी हो जाओ यार आज की अल्टीमेट रेस के लिए। बाकी अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और हाँ एक और चीज, तुम लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट से जाओ गाइस फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाओ इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर
फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी तो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ आज का रेस कोर्स। तो अगर आज के रेस कोर्स की बात की जाए तो अभी तक हमारी ये तीसरी रेस है और अभी तक का सबसे लंबा रेस कोर्स होने वाला है, जो कि शुरू होने वाला है लगभग यहाँ से, नहीं वेट यहाँ से और ये एंड होगा गाइस इधर से ऑल द वे जाते 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 इधर से इस तरीके से यहाँ पर कहीं। तो भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ ये अब तक का सबसे लंबा रेस कोर्स है भाई, जिसके अंदर हम लोग लॉस सेंटोस के एक छोर से दूसरे छोर पे जा रहे हैं भाई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कितना लंबा रेस कोर्स है। बाकी मैं तुम लोगों को ड्रोन से दिखा देता हूँ। तो ये है वो जगह जहाँ से रेस होती है स्टार्ट और इस तरीके से इस पूरे के पूरे हाईवे पर अपनी रेस आगे बढ़ेगी। और रेस एंड कहाँ पर होती है चलो वो भी दिखा देता हूँ मैं। रेस एंड होती है गाइस इस टनल से निकलने के बाद, इस टनल के ऑल द वे जाना है पूरा अंदर से और ये है फाइनली अपने फिनिश लाइन, जहां पर दो मस्त वाले झंडे फिनिश लाइन के इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही अपना प्लेयर इसको क्रॉस करेगा उसका टाइमर रुक जाएगा, टाइमर हमेशा की तरह तुम लोगों को राइट कॉर्नर में टॉप में दिखेगा। बाकी चलो गाइस रेस को शुरू करते हैं। चलो यार सबसे पहले अब कौन जाएगा, एक काम करते हैं गाइस ग्रीन फ्लैश से शुरुआत करते हैं, ग्रीन पिंक और वैसे एक सेकेंड इन दोनों का सूट एक जैसा नहीं है। हाँ अरे यार ये दोनों जुड़वा भाई है, बस एक पिंक कलर का पहनता है और एक ग्रीन कलर का। अच्छा जो भी है, तो चलो गाइस ग्रीन फ्लैश पहले, पिंक फ्लैश उसके बाद, फिर ब्लैक फ्लैश और एंड में मैं अपनी हीरो वाली एंट्री लूंगा। अरे मतलब तुम्हें क्या लगता है आज तुम जीतोगे? हाँ भाई बहुत आलिया मैं थर्ड, बहुत आलिया सेकंड, आज तो फाइनली फर्स्ट आके ही रहना है मुझे, देखते हैं। चलो ग्रीन फ्लैश रेडी हो जाओ, तुम्हें रेस करनी है सबसे पहले। आई एम ऑलवेज रेडी आयरन मैन, निकलता हूँ मैं यहाँ से फटाफट रेस कोर्स के लिए, स्टार्टिंग लाइन पे पहुँचता हूँ। वैसे मैं बता दूँ रेस को मैं ही जीतने वाला हूँ, देखते हैं भाई कौन जीतता है। तो गाइस यहाँ पर जो ग्रीन फ्लैश है वो फाइनली पहुँच चुका है और बाकी अभी बारिश पता नहीं क्यों नहीं बंद हो रही है, बट जो भी हो ओ भाई साहब इसके ग्रीन कलर के जो रेज है वो कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है भाई। लिटरली में ये ग्रीन फ्लैश तो मेरे को लग रहा भाई हरा सकता है, इसकी स्पीड देखो भाई, स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे गाइस तुम लोग कमेंट में जाकर प्रिडिक्ट करो क्या लगता है कौन जीतने वाला है आज की रेस को। बाकी लेट्स स्टार्ट द रेस भाई, ग्रीन फ्लैश रेडी हो जा। मैं रेडी हूँ यार। ओके पीछे आ जा भाई थोड़ा रेसिंग लाइन से। ओके तो गाइस लेट्स गो, यहाँ पर रेस शुरू होने वाली है 3, 2, 1। तो यहाँ पर जो ग्रीन फ्लैश है वो काफी ज्यादा तेजी से दौड़ चुका है। ओ भाई साहब यहाँ पर टाइमर देख सकते हो गाइस, ओ तेरी कितना ज्यादा फास्ट है, लिटरली में भाई बहुत ज्यादा तेज जा रहा है। और यहाँ पर सामने लगता है टनल भी आने वाली है, टनल आने वाली क्या भाई, आ भी गई, टनल के नीचे से गुजर भी गया और फाइनली फिनिश लाइन क्रॉस। ओके गाइस तो तुम लोग टाइम देख सकते हो भाई इसने कितना टाइम लिया है। ओ भाई ये लिटरली में कुछ ज़्यादा ही फास्ट था यार, अब तक की सबसे लंबी रेस कोर्स थी ये, और कितनी ज़्यादा जल्दी क्लियर किया है यार इसने रेस कोर्स को। भाई मान जाना पड़ेगा ग्रीन फ्लैश तुझे, तारीफ करना बंद करो अब अगले वाले को भेजो, अगला वाला शायद से पिंक फ्लैश जाएगा। ओके चल आ जा भाई ग्रीन फ्लैश वापस आ जा। ऐसे गाइस तुम लोग प्रिडिक्शन जारी रखना यार कमेंट में और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी भाई ग्रीन फ्लैश एकदम अल्टीमेट दौड़ रहा भाई, स्पीड काफी ज्यादा तगड़ी है। बाकी पिंक फ्लैश भाई रेडी हो जा। अरे यार पहले ग्रीन फ्लैश को तो आ जाने दो। हाँ हाँ आ रहा है, तब तक तू रेडी रह भाई। इट्स टाइम फॉर पिंक फ्लैश, और पिंक फ्लैश जा भाई तू। जा रहा हूँ यार जा रहा हूँ, मुझे काफी ज्यादा अपने ऊपर भरोसा है, मैं इजिली हरा दूंगा, देखते हैं भाई। वैसे गाइस ग्रीन पिंक और उसके बाद ब्लैक फ्लैश और उसके बाद मैं जाऊंगा, लेट्स सी क्या होता है। बाकी तुम लोग टाइमर ऑलरेडी देख सकते हो गाइस, टाइमर नोट कर लेना तुम लोग। बाकी जल्दी जा भाई, पावर का यूज करके जा। नहीं यार मैं पावर का यूज करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी अगर पावर यहीं पर खर्च हो गई तो मैं रेस कैसे करूंगा। तो मतलब तू स्टार्टिंग लाइन तक इसी तरीके से दौड़ कर जाने वाला है? बिल्कुल। अरे यार फिर तो बहुत टाइम लगेगा भाई साहब। गाइस इसे इतना टाइम लगा कि बारिश ही रुक गई है यार, बट जो भी फाइनली यहाँ पर पिंक फ्लैश पहुँच चुका है स्टार्टिंग लाइन पर। और भाई जरा पावर वाले मोड में आ जा तू। अभी आता हूँ मैं अपने पावर मोड में। तो फ्लैश आ चुका है, मतलब पिंक फ्लैश आ चुका है अपने पावर मोड में। ओ भाई साहब स्पीड तो काफ़ी अच्छी है इसकी भी। यार क्या हो रहा है यार, सारी फास्ट लग रहे हैं, मैं कहाँ सोच रहा था आज फर्स्ट आने की, कहीं लास्ट ही ना आ जाऊँ मैं। तो यहाँ पर पिंक फ्लैश रेडी रेडी यार रेडी। ओ टाइमर बस स्टार्ट कर दे, लेट्स गो 3
3, 2, 1। तो यहाँ पर जो पिंक फ्लैश है गाइस ऑलरेडी काफी ज्यादा तेजी से दौड़ चुका है और तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर टाइमर ऑलरेडी स्टार्ट भी हो चुका है। पिंक फ्लैश को देखकर लगता है कि ग्रीन फ्लैश जितना फास्ट तो नहीं है, बट हाँ इतना फास्ट है कि ये शायद मुझसे जीत जाए। बट गाइस अभी तय नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जब तक रेस नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा कि आखिर में विनर कौन है। बाकी यहाँ पर अभी तक तो ये टनल तक भी नहीं पहुंचा है, टनल अब बल्कि अभी तक नजर भी नहीं आ रही है भाई, काफी ज्यादा दूर है अभी टनल से। वैसे देखते हैं कितना ज्यादा टाइम लगता है, फिलहाल तो अभी बिल्डिंग क्रॉस कर रहा है ये भाई, अभी तक लिटरली में टनल से काफी ज्यादा दूर है ये। ओके फाइनली अब टनल दिख रही है मेरे को, देखते हैं गाइस फिनिश लाइन क्रॉस करने में आखिरकार इसे टाइम कितना लगता है। बाकी इधर अंधेरे में तुम लोग देख सकते हो गाइस रेस कितनी ज्यादा गदर लगती है फ्लैश वगैरह की। बाकी यहाँ पर ओके फिनिश लाइन सामने ये क्रॉस्ड, तो देख सकते हो गाइस आखिरकार पिंक फ्लैश को कितना ज्यादा टाइम लगा है इस वाली रेस को कंप्लीट करने में। भाई अभी तक की सबसे ज्यादा लंबी पार्कोर, मतलब पार्कोर क्या रेस कोर्स है ये, और देख सकते हो पिंक फ्लैश को कितना टाइम लगा है। बाकी देखना ये है कि ब्लैक फ्लैश जो है वो पिंक फ्लैश से फास्ट है कि पिंक फ्लैश से भी स्लो है, वो तो जब ब्लैक फ्लैश दौड़ेगा तभी पता चलेगा। बाकी तो भाई पिंक फ्लैश आ जा और ब्लैक फ्लैश तू रेडी रहे भाई। अरे हाँ यार मैं रेडी ही हूँ, चल भाई रेडी हो जा। अरे रेडी ही हूँ यार मैं। हाँ तो मतलब आ जाने दे पिंक फ्लैश को फिर जाइए, ये तो गुस्से वाला है यार, कहाँ रहता भाई तू? मैं कहीं भी रहूँ तुम्हें उससे क्या। अरे ठीक है भाई, पिंक फ्लैश भाई जल्दी आ। और ये आ चुका है हमारा पिंक फ्लैश। हाँ पिंक फ्लैश ये गाइस। वैसे यार तुमने पीछे तो देखा नहीं, तुम्हें कैसे पता कि मैं ही हूँ? मैं तेरे पैर गीले हैं बारिश की वजह से और छप छप करके आ रहा है, तो पता ही चलेगा कौन आएगा हमारे घर पे इस टाइम पे। अच्छा अच्छा चल भाई ब्लैक फ्लैश जा तू। जा रहा हूँ। ओके तो गाइज यहाँ पर फाइनली अपना थर्ड फ्लैश भी निकल चुका है, जो कि है वन एंड ओनली ब्लैक फ्लैश। लेट्स सी किस तरीके से ये रेस को कंप्लीट करता है। बाकी तू भाई, तू भी ऐसे दौड़ कर जाने वाला है? बिल्कुल यार बिल्कुल, मैं भी इसी तरीके से स्टार्टिंग लाइन तक जाऊंगा। अरे भाई अलग इनके टोटके, इन्हें लग रहा है इस तरीके से जाने पे ज्यादा पावर आ जाएगी। छोड़ो यार जो भी हो, जा भाई तू जा, 4-5 घंटों में पहुंच तू ब्लैक स्टार्टिंग लाइन तक। तो फाइनली गाइस ब्लैक फ्लैश पहुंच चुका है और उसने पावर मोड भी अपना एक्टिवेट कर लिया है। बाकी इसके पीछे ब्लैक रेज निकल रही है जो कि दिख नहीं रही है, बाकी अंधेरे में शायद नहीं, अंधेरे में भी उतनी कुछ खास नहीं दिख रही है। देख सकते हो गाइस तुम लोग ब्लैक रेज निकल रहे हैं इसके पीछे, बट उतने कुछ खास नजर नहीं आ रहे, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर चल भाई ब्लैक फ्लैश रेडी हो जा रेस के लिए। रेडी हूँ यार मैं, चलो रेस को शुरू करो। ओके गाइस तो यहाँ पर रेस को शुरू करने का टाइम आ चुका है फाइनली, 3, 2, 1। तो यहाँ पर जो ब्लैक फ्लैश है वो दौड़ चुका है और काफी स्लो स्पीड है यार। बट सच में तू फ्लैश है भाई तू? अरे हाँ यार क्यों, तुम्हें शक है? नहीं मतलब इतनी स्लो, इससे तेज तो कोई नॉर्मल बंदा दौड़ ले, इससे तेज तो हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी भगाते हैं गाइस लिटरली में। भाई ये तो काफी ज्यादा स्लो है, तू तो फ्लैश के नाम पे कलंक लग रहा है भाई मेरे को। क्या बोला तुमने? अरे कुछ नहीं भाई, मैं तो भूल ही गया था गुस्से वाला फ्लैश है। नहीं भाई तू मस्त दौड़ रहा है, ऐसे ही दौड़ता रहे। थैंक यू यार थैंक यू। बाकी गाइस तुम लोग टाइमर देख सकते हो भाई, कैसे मस्त टाइमर तेजी से जा रहा है और ये अभी तक यहाँ पर ही पहुंचा है, बल्कि अभी तक टनल भी नजर नहीं आ रही है यार, कहीं दूर दूर तक, पता नहीं कितनी देर में पहुंचेगा ये। बाकी हाँ तुम लोग मस्त नजारे लो भाई, आजू बाजू की बिल्डिंग है, क्या मस्त बिल्डिंग वगैरह नजर आ रही है। इसके अलावा इसके रेशे वगैरह भी नजर नहीं आ रहे भाई। अब तू दौड़ भाई, तू मजे से दौड़। हाँ थोड़ा हम लोग सो लेते हैं। क्या बोला तुमने? मतलब जिस हिसाब से तू दौड़ रहा है लग रहा है कल परसों ही पहुंचेगा, बट हाँ जो भी हो दौड़ता रहे भाई तू। संडे है भाई यार, लगता है मंडे को पहुंचेगा तू। क्या बोल रहे हो यार तुम? नहीं कुछ नहीं बोल रहा, भाई सामने है गाइस टनल फाइनली, काफी ज्यादा इंतजार के बाद टनल आ चुकी है। टनल के अंदर ब्लैक फ्लैश काफी ज्यादा तेजी के साथ दौड़ रहा है और फिनिश लाइन नजर नहीं आ रही है। एक सेकेंड, अब शायद नजर आएगी फिनिश लाइन। अभी भी नहीं। ओके अभी भी नहीं। ओके फाइनली फिनिश लाइन का झंडा नजर आ चुका है और ये क्रॉस कर दिया इसने फिनिश लाइन को, और देख सकते हो गाइस कितने मिनट लिए हैं इसने। ब्लैक फ्लैश भाई तूने पावर बचा के बहुत बड़ा काम किया है भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मान लो अगर ये दौड़ कर स्टार्टिंग लाइन तक दौड़ कर पहुंचा है बिना पावर का यूज किए, अगर पावर यूज करके पहुंचता तो फिर ये रेस में कैसे दौड़ता यार, नॉर्मल बंदे से भी स्लो। छोड़ो यार जो भी है, काफी बढ़िया ब्लैक फ्लैश, काफी ज्यादा बढ़िया मिनट लिए हैं तूने। चल अब घर पे आ जा। आ रहा यार आ रहा हूँ, और तुम रेडी हो जाओ फ्रैंकलिन। मैं तो रेडी हूँ, बस तू पहले आ तो सही।
तो यहाँ पर हमारा लास्ट फ्लैश आ चुका है जो कि है ब्लैक फ्लैश। अब मेरी बारी है, चलो गाइस निकलते हैं फटाफट से और मैं गाड़ी से जाऊंगा। हाँ मैं तो दौड़ कर नहीं जाने वाला। ओ भाई विंटेज कार, नाइस कार यार, पता नहीं किसके एनिमे से किसी फ्लैश वगैरह की होगी। ओ भाई साहब मजा आएगा। ओ तेरी मक्खन चल रही है भाई ये गाड़ी तो, लिटरली मैं भाई देख के तो लग रहा है कि पता नहीं कौन से 1990 के जमाने, मतलब 1950 के जमाने की है, पर नहीं स्पीड तो अच्छी है भाई। ओ ओ ओ नाइस यार। ओके ड्रिफ्ट देखते हैं भाई विंटेज कार से। ओ भाई ड्रिफ्ट भी नेक्स्ट लेवल की लग रही है, विंटेज कार से लगी नहीं रही है, विंटेज कार है तो मेरे को स्पोर्ट्स कार लग रही है। बट खैर जो भी, इसको लेकर चलते हैं गाइस फटाफट से स्टार्टिंग लाइन पर और कंप्लीट करते हैं आज की रेस को और देखते हैं गाइस कितना मैं स्कोर कर पाता हूं। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है यार कमेंट में बताओ, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो फटाफट से जाओ यार वीडियो को लाइक करो ताकि मैं फर्स्ट आऊं आज की रेस में। हां गाइस तुम लोग एक काम करो, अभी के अभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कम से कम आज मैं फर्स्ट आ सकूं। कम से कम क्या, ज्यादा से ज्यादा आज मैं फर्स्ट आ सकूं। बाकी चलते हैं, अभी मिलते हैं स्टार्टिंग लाइन पे। तो ये आ गया फाइनली स्टार्टिंग लाइन पर। अब जरा मैं अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता हूँ। वैसे मैं तुम लोग बता दूं गाइज, मेरे पीछे जो रेज आएंगी उनका मैं कलर खुद से सेलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को रेनबो फ्लैश टाइप की कुछ पावर मिली थी, याद होगा तुम लोगों को। हाँ तो ग्रीन फ्लैश दौड़ चुका है, पिंक फ्लैश दौड़ चुका है, ब्लैक फ्लैश दौड़ चुका है। मैं किस तरीके की रेज का यूज़ करूँ, कोई यूनिक सा कर, रेड नहीं नहीं रेड तो नॉर्मल फ्लैश के पीछे निकलता ही है रेज। मैं यूज़ करूँगा डायमंड कलर का, नहीं नहीं वो कलरफुल यूज़ करेंगे, कुछ ग्रीन कलर भी नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पिंक तो वो फ्लैश ही था, ऑरेंज कलर भी नहीं, ब्लू कलर तो फ्यूचर फ्लैश के पीछे से निकलती है रेज। मैं किस कलर के यूज करूं, मेरे को यही समझ नहीं। ओह नाइस, मैंने गाइस कपड़े पहन रखे पर्पल कलर के, लेट्स यूज पर्पल कलर। हाँ पर्पल कलर का रेज सेलेक्ट करता हूं मैं। ओके गाइस मैंने पर्पल कलर सेलेक्ट किया और भाई काफी ज्यादा मस्त लग रहा है मेरे को, देखिए पर्पल कलर, लिटरली मैं बता रहा हूँ भाई बहुत ही मस्त लग रहा है भाई, अलग ही मजा आ रहा है दौड़ने में। और एक सेकंड मेरी स्पीड अच्छी हो गई है यार, शायद मैं आज हरा सकता हूँ इन लोगों को, देखते हैं। बाकी भाई मेरे लिए काउंट कौन करेगा? अरे आयरन मैन, मतलब मैं करूंगा। अच्छा ठीक है भाई आयरन मैन तू करियो काउंट। ओके गाइस लेट्स गो, रेडी हो जाता हूँ मैं, चल भाई आयरन मैन काउंट कर। तो रेडी फ्रैंकलिन, 3, 2, 1। तो गाइस यहाँ पर मैं काफी ज्यादा तेजी के साथ दौड़ चुका हूँ और भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, लिटरली मैं इतना फास्ट हो गया हूँ। ओ भाई ओ फिनिश लाइन क्रॉस करने वाला हूँ मैं। ओ तेरी, ओ क्रॉस्ड भाई, लिटरली मैं क्रॉस कर दी मैंने फिनिश लाइन भाई साहब। लेकिन एक सेकंड यार, तुम फिनिश लाइन के नीचे से नहीं गए, तुम तो साइड से गए। अबे तो मायने क्या रखता है फिनिश लाइन को क्रॉस करना, वो तो मैंने क्रॉस कर दिया। लेकिन नहीं फ्रैंकलिन, तुम साइड से गए हो, बीच के अंदर से नहीं गए। अब यार ये तो गलत बात है, ठीक है मैं दोबारा दौड़ लेता हूँ। ठीक है गाइस, ये कह रहा ना बीच में से नहीं गए, फिनिश लाइन के नीचे से नहीं गए, साइड से निकल गए। ठीक है मैं दोबारा दौड़ रहा हूँ। ठीक है अब समझ नहीं यार, हम पिछला वाला काउंट करें कि इस बार वाला? तू इस बार वाला ही काउंट कर। ठीक है भाई आयरन मैन, ठीक है। ओके गाइस दोबारा दौड़ना पड़ रहा है यार मेरे को, चलो कोई बात नहीं, इसी स्पीड से दौड़ूंगा भाई, मेरे को लग रहा है मैं तो फर्स्ट आ सकता हूँ। ओके चल भाई आयरन मैन काउंट करियो तू। ठीक है यार, रेडी फ्रैंकलिन, 3, 2, 1। ओके गाइस तो यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से मैं दौड़ चुका हूँ और इस बार तो लग रहा है भाई मैं पिछली बार से भी ज्यादा फास्ट दौड़ रहा हूँ। हाँ यार लिटरली मैं, मेरे को महसूस हो रहा है इस बार फिनिश लाइन के नीचे से। ओके क्रॉस फिनिश लाइन क्रॉस कर दी भाई मैंने। ओके फ्रैंकलिन नाइस फ्रैंकलिन, तुमने तो सच में यार कमाल कर दिया। क्या हो गया भाई, कितना टाइम लिया मैंने? तुम फर्स्ट हो यार। क्या सच में भाई, झूठ तो नहीं बोल रहा, मजाक तो नहीं कर रहा? अरे नहीं यार, तुमने सच में ग्रीन फ्लैश, पिंक फ्लैश और ब्लैक फ्लैश तीनों को हरा दिया है। ओ भाई साहब मजा ही आ गया गाइस, लिटरली में मेरे को यकीन नहीं हो रहा यार, मैं पिछली 3 बार से ट्राई कर रहा हूँ, मतलब पिछली 2 बार से ट्राई कर रहा हूँ और मैं किसी भी बार जीत नहीं पा रहा था, कभी थर्ड कभी सेकंड, बट इस बार फाइनली मैंने कमाल कर दिया, मजा ही आ गया यार। आ रहा हूँ भाई आयरन मैन। अरे यार मेरी गाड़ी लेकर आना। अच्छा तेरी गाड़ी मैंने पीछे ही छोड़ दी, रुक जा तेरी गाड़ी लेकर ही आऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा है तू? भाई साहब मजा ही आ गया यार। ओके ये रही गाइस आयरन मैन की गाड़ी, लेट्स को लेकर चलते हैं। भाई यकीन नहीं हो रहा मेरे को, मैं इस बार फर्स्ट आ गया। ओके चलते हैं भाई आयरन मैन। वैसे सेकंड कौन है? अरे यार पहले घर पे तो आओ यार। ठीक है मेरे को पता है तुझे तेरी गाड़ी की चिंता पड़ रही है। अरे मेरी गाड़ी नहीं है ये, फ्लैश की गाड़ी है ना। ओ
तभी इतनी टेंशन ले रहा है गाड़ी के, वरना तेरी होती तो हम तो ब्लास्ट भी कर देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा जल्दी गाड़ी लेकर आओ घर पे। आ गया आयरन मैन की गाड़ी लेके, विंटेज कार, मतलब आयरन मैन की नहीं, इनमें से किसी फ्लैश की गाड़ी लेके, जो कि थी एक विंटेज कार। चल भाई बता आयरन मैन कौन कितने सेकंड पे आया है, मतलब कौन कितने पोजीशन पे आया है। तो देखो फ्रैंकलिन तुम आए हो फर्स्ट पोजीशन पे, वो तो मुझे पता ही है, सेकंड पे कौन है? सेकंड पे वन एंड ओनली ग्रीन फ्लैश। हाँ ये तो उसी वक्त लग गया था, काफी ज्यादा फास्ट था ये। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर पिंक फ्लैश, नाइस, और फोर्थ पे ब्लैक। मेरे को लगा ही था गाइस काफी स्लो था ये। हाँ यही हुआ है। बाकी गाइस तुम लोग लीडर बोर्ड्स भी देख सकते हो। फिलहाल तो आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन याद से ऑन कर देना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना, ट्विटर पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गाइस गुड बाय।